हेलो एवरी वन दिस इज अक्षता गुप्ता सो आई एम स्टार्टिंग अ यूट्यूब सीरीज जिसमें जो भी कॉमन डाउट्स होते हैं स्पेडेंट्स के उन पर डिस्कस करने का कोशिश किया है जैसे इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट शुड वन गो फॉर मेडिकल साइंस ऑप्शनल तो जो भी मेडिकल साइंस ऑप्शनल के रिगार्डिंग डाउट्स रहते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने का कोशिश करेंगे सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम अक्षता गुप्ता आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक सिक्सटी नाइन इन दिस ईयर यू पी एस सी एग्जाम

सो मेडिकल साइंस ऑप्शनल था मेरा एंड जो भी मेरे एमबीबीएस में सब्जेक्ट्स थे वही मेडिकल ऑप्शनल में सब्जेक्ट्स थे तो दैट्स वाई आई हैव चूजिंग दैट सो आई एम ऑल्सो टेकिंग मल्टीपल स्पेशल क्लासेज ऑन दी अन अकेडमी दे विल बी फ्री एंड लाइव क्लासेस सो उसमें आप आ सकते हो एंड यू कैन इंटरैक्ट ऑन वेरियस टॉपिक्स लाइक आंसर राइटिंग करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है कौन सी बुक्स को फॉलो करना है तो ये सब टॉपिक्सिडरिंग इन दीज फ्री लाइव क्लासेज ऑन दी अकेडमी सो यू कैन ऑल्सो यूज माई कॉप डमी so, पे देर आर मल्टीपल एजुकेटर्स एंड देर आर इंटरव लाइव क्लासेस तो लाइव क्लासेस में आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस ऑन समी कॉमन इश्यूज और वहां पर जो भी आपके डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने का कोशिश किया जाएगा सो कमिंग टू द मेडिकल साइंस ऑप्शनल तो मेडिकल साइंस इज अ वेरी वास्ट एंड डाइवर्स सब्जेक्ट अब मेडिकल साइंस इज नॉट लाइक कि आपका टू थ्री टू थ्री नोटबुक्स आपके फिनिश हो गए तो आपने मेडिकल साइंस फिनिश कर दिया इट इज वेरी वास्ट जो भी आपका फाइव फोर पॉइंट फाइव ईयर्स की आपकी एमबीबीएस रहती है तो उसमें से थर्ड ईयर का जो भी सिलेबस होता है उसमें से सिर्फ कम्युनिटी मेडिसिन पे आता है आई ई एन टी आर नॉट इन दिलेबस तो जो भी आपके फोर पॉइंट फाइव ईयर का सिलेबस है दैट फॉर्म्स द मेडिकल साइंस ऑप्शनल तो यूजुअली आपका सिलेबस उतना ही है थोड़ा सा आपको लिमिट किया गया है जो टॉपिक्स हैं वो क्लियरली मैंशन है सिलेबस में अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओगे और वहां से आप सिलेबस को डाउनलोड करोगे उसका पीडीएफ निकालोगे तो वहां पे कुछ टॉपिक्स क्लियरली मैंशन है एज अ सिलेबस फॉर द यू एग्जाम सो वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू आवर एक्चुअल एमबीबीएस तो जो भी हम एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फोर्थ ईयर का सिलेबस प्रिपेयर करते हैं तो उससे एक्चुअल में थोड़े से टॉपिक्स कम है बट द डाइवर्सिटी इज एज मच एज इन द एमबीबीएस तो वास्ट क्यों है क्योंकि इट इज़ 4.5 इयर्स का सिलेबस बिकॉज दे इन द मेडिकल साइंस तो वो इसमें आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं अलग अलग तरह से वो आपको पूछते हैं एंड उसमें क्वेश्चन जो है वो क्लिनिकल एज वेल एज नॉन क्लिनिकल रहते हैं तो ये आपको कंसिडर करना पड़ता है कि आप इतने वास्ट और डाइवर्स सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए रेडी हो या आपको कोई और दूसरा ऑप्शन चूज करना है तो यही क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सो इट इज मोस्टली दंडर ग्रेजुएट लेवल अब कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमने एम में अच्छा से प्रिपेयर कर लिया बट जो एम वाले बच्चे होते हैं लाइक like एम जो स्टूडेंट्स होते हैं दे विल बी बेटर एट एड क्योंकि वो एक पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे उन टॉपिक्स को रीड कर रहे हैं बट ऐसा नहीं है मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं दे आर लाइक आर एग्जाम्स जो भी हम एग्जाम्स में क्वेश्चन प्रिपेयर करते हैं जैसे अगर आप बुक मार्क कराते हो या बुक में से आप कुछ भी कॉमन क्वेश्चन प्रिपेयर करते हो यूजली वही क्वेश्चन आपके ऑप्शनल में आते हैं तो आपको सिर्फ यूजी लेवल का ही प्रिपेयर करना होता है जो भी आपकी कॉमन बुक्स हैं बीबीएस में जैसे बीडीसी है या हर्ष मोहन है या अनंत नारायण है तो जो भी आपकी बेसिक बुक्स हैं आपको वही प्रिपेयर करनी होती है आपको उसके लिए पीजी की बुक्स पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती ओनली फ्यू क्वेश्चन आर देयर जैसे कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्टली अपनी यूजी बुक्स में नहीं मिल पाएंगे सिर्फ उनके लिए आप सिर्फ रेफर कर सकते हो कि आपको कोई अच्छा फ्लो चार्ट या कोई अच्छा डायग्राम या कंसेप्ट को अच्छे से समझा रखा है तो हार्डली फाइव टू सिक्स लाइन आप वहां से निकाल सकते हो उससे ज्यादा आपको पीजी बुक्स को रेफर करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती तो इट इज अ मिथ कि आपको लगता है कि पीजी स्टूडेंट्स इसको बेटर हैंडल कर सकते हैं तो इट इज कंप्लीटली रॉन्ग आपको यूजी लेवल पे भी हैंडल कर सकते हो तो इट इज मोस्टली अंडर ग्रेजुएट लेवल नाउ इफ यू हैव डन योर ग्रेजुएशन वेल देन यू मस्ट गो फॉर दिस ऑप्शनल यू विल रियलाइज इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में अच्छे से प्रिपेरेशन है कि अगर आप एक एवरेज तरीके से अपनी ग्रेजुएशन में अपनी एम में आप स्कोर कर रहे हो आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने टॉपिक्स को तो यू कैन वेरी वेल हैंडल दिस ऑप्शनल तो अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है आपने एग्जाम्स अच्छे से लिखे हैं आपने हर टॉपिक को समझा हुआ है देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एज एन ऑप्शनल एग्जाम क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एक नया सब्जेक्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप इसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करके अपना ऑप्शनल दे सकते हो। तो यू विल आपने अपने लिखे हैं, वो एक आपकी। so, तो ये आपको हेल्प करेगा एक बिना टेस्ट सीरीज के बिना ज्यादा गाइडेंस के अपना करने के लिए अदरवाइज बाकी ऑप्शनल्स में क्या होता है कि आपको कंपल्सरीली टेस्ट सीरीज लिखना होता है आपको प्रैक्टिस करना होता है तो इसमें यू कैन डू इट विदाउट दी एट मच नीडेड टेस्ट सीरीज क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट अपने कॉलेज में लिखे हुए हैं इस पर तो दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग द कॉन्फिडेंस इन योर ऑप्शनल सब्जेक्ट है इफ यू आर नॉट गुड इन कॉलेज स्टडीज यू लैक इंटरेस्ट इन मेडिसिन यू कैन लुक टू अदर ऑप्शन अब इट इज नॉट कंपल्सरी अगर आपका शुरू से ही मेडिसिन में, में इंटरेस्ट नहीं है अगर आपको लगता है कि आपने कॉलेज में अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया आपको लगता है कि आपकी मेडिसिन पे ग्रेस इतनी अच्छी नहीं है आपको इंटरेस्ट नहीं है या समझ में नहीं आता या आपको अब टच नहीं रहा है अगर आप एम के थ्री फोर ईयर्स बाद एग्जाम दे रहे हो तो आपको वो टच टच नहीं रह पाता कि आपका अब वो स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपने कॉलेज डेज को याद कर सको देन यू कैन लुक टू अदर ऑप्शनल्स तब आप किसी और दूसरे ऑप्शनल पे शिफ्ट करके उसको प्रिपेयर कर सकते हो

एंड वहां से आप प्रिपेयर कर सकते हो बट देन यू हैव टू नो दैट हर ऑप्शनल का कुछ प्रोज एंड कुछ कॉन्स होते हैं तो ऐसे इन्हीं का इनके लिए भी आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि तो दी सब्जेक्ट्स आर टोटली न्यू ये आपके लिए बिल्कुल नया है तो आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी एक तरह से बिल्कुल न्यू हो जाएगी जैसे मेरी जर्नी में मेरा ऑप्शन मेडिकल साइंस था तो उस पर मुझे कॉन्फिडेंस था तो मैं अपना टाइम जीएस को डिवोट कर सकती थी मैंने अपना ज़्यादा टाइम जीएस को दिया और मेरा ऑप्शनल को मैंने कम टाइम दिया

मेडिकल साइंस में या आपको बायोलॉजी या इन सब में अगर बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है तो यू कैन नॉट डू इट वेल तो आपको इसमें इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या होता है कि हम एटलीस्ट अपना फिफ्टी परसेंट टाइम ऑप्शनल को देते हैं और हम अपना एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट टाइम जीएस को देते हैं तो अगर आपको फिफ्टी टाइम सिर्फ ऑप्शनल यानी कि एक सब्जेक्ट को देना है तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट उसकी तरफ आपको अट्रैक्शन होना चाहिए कि ये ऑप्शनल मेरे को कॉन्फिडेंस लगता है कॉन्फिडेंट हूँ मैं इस पर और मैं इसको प्रिपेयर कर सकती हूँ लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव थाट्स मिलोगे कि ये तो ऑप्शन बहुत बड़ा है मैंने गलत ऑप्शनल चूज कर लिया इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे ये याद नहीं हो पा रहा तो अगर आप इस तरह से नेगेटिव थॉट्स रखोगे तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तो जो भी ऑप्शनल आप चूज़ करते हो चाहे वो आप अदर कोई एंथ्रोपोलॉजी चूज कर रहे हो या मेडिकल साइंस चूज कर रहे हो वो आपकी इंटरेस्ट बेस सबसे पहले होना चाहिए बाकी सब चीजें नहीं है कि अगर आपने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया तो आपका सिलेक्शन कम्पलीटली श्योर है कि आप सिलेक्ट होंगे या आपने मेडिकल साइंस ले लिया तो आपका सिलेक्शन कंप्लीटली श्योर है या आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा एंथ्रोपोलॉजी इजिएस्ट ऑप्शनल है तो आपने ये चूज कर लिया तो आपका हमेशा स्कोर अच्छा रहेगा तो इस तरह से ऐसा कुछ नहीं है इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड देर आर प्रॉज एंड कॉन्स फॉर एवरी ऑप्शनल जैसे कोई भी सब्जेक्ट है अगर वो छोटा है तो काफी बच्चे भी ले रहे हैं देन द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई कि आपको दूसरे बच्चे से आंसर अपना बेटर लिखना है सिमिलरली फॉर द मेडिकल साइंस दो उसको कम बच्चे लेते हैं बट देन द कॉम्पिटिशन इज वेरी हाई कि उसकी चेकिंग पैटर्न कैसा है उस पर इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आते हैं तो वन ऑफ द क्वेश्चन इज कि जैसे अगर आप एम हो तो आपने ऑप्शनल चेंज क्यों किया सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा देन यू शुड बी रेडी विद दिस आंसर कि अगर आप एमबीबीएस हो आपके पास टाइम था एंड आपके पास सब्जेक्ट भी है मेडिकल साइंसेस तो आपने ऑप्शनल चेंज क्यों किया तो so, ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं एंड देन यू शुड बी रेडी विद द आंसर सिमिलरली जैसे मेरे टाइम पर मेरे इंटरव्यू में मुझसे मुझसे कहा गया था कि आपका ऑप्शनल मेडिकल साइंस है एंड आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको अपने साथ रखे इंटर्नशिप में ही दे दिया तो इस पर द पैनल वाज वेरी हैप्पी एंड दे दे सेड कि बहुत अच्छा है काफ़ी कम बच्चे ही अपना मेडिकल साइंस ऑप्शन लेते हैं तो इस पर दे वार वेरी हैप्पी एंड दे उन्होंने कहा था कि ये काफ़ी अच्छी बात है तो दिस वॉज अ गुड पॉइंट इन माई इंटरव्यू ऑल्सो तो क्या आपको इंटरव्यू में भी कंसिडर करके चलना पड़ता है नाउ अप्रोस फॉर द मेडिकल साइंस क्वेश्चन अल्टीमेटली यही आता है कि क्या हमें मेडिकल साइंस ऑप्शनल चूज करना चाहिए तो so, उसके लिए जो पॉजिटिव पॉइंट है पॉजिटिव so, पॉइंट्स में सबसे पहला आता है देर इज नो इंट्रो कंक्लूजन यू कैन राइट इन योर ओन फ्लो अब जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो जी में जैसे हम देखते हैं कि एक इंट्रो होता है बॉडी होती है एंड कंक्लूजन होता है तो so, सिमिलरली जो ऑप्शन होते हैं लाइक सोशोलॉजी एंड तो इन सब में यू हैव टू मेंिस पैटर्न

क्या होता है, कि जैसे है तो उसमें अगर आप आंसर लिखते हो तो आपको सारा आंसर पैराग्राफ में लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन इजिली ड्रॉ डायग्राम्स तो जब आप ये डायग्राम्स बनाओगे तो आपको कम टाइम में ज्यादा ज्यादा स्पेस यूज हो जाएगा कम टाइम में आप अपनी वर्ड्स को यूज करके आप आंसर लिख सकते हो तो दिस इन और आप अपने फिनिश कर रहे हो और आप अपने ऑप्शन कंप्लीट कर पा रहे हो तो इस तरह से आप अपने बिना इंटर कंक्लूजन के डायग्राम्स और अपने प्रेजेंटेशन के बेसिस पे मार्क्स गेन कर सकते हो आप प्रेजेंटेशन इसमें कैसे बेनिफिट करता है तो यूजली इसमें फ्लो चार्ट रहते हैं काफ़ी सारे सारा काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लो चार्ट बनाने पड़ते हैं तो कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे मेडिसिन में पीडियाट्रिक्स में उस पर फ्लो चार्ट आप बना के रख सकते हो तो आपने अपने नोट्स में ये फ्लो चार्ट ऐसे ऐसे बना के रख लिए तो बस अगर आपको क्वेश्चन कोई आता है तो आपको यही फ्लो चार्ट यहाँ पे बनाने कोई लाइन्स लिखने की जरूरत नहीं है कोई इसमें पैराग्राफ्स बनाने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ वो फ्लो चार्ट बनाकर उस आंसर को कंप्लीट कर सकते हो सिमिलरली फॉर द क्लिनिकल क्वेश्चन क्लिनिकल क्वेश्चंस को आप इजीली डील कर सकते हो एंड सेकंड पेपर में काफी ज्यादा क्वेश्चंस क्लिनिकल आते हैं तो क्लिनिकल क्वेश्चंस को आप कैसे डील कर सकते हो यू पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन कि अगर कोई पेशेंट ऐसे ऐसे आपके पास आता है तो आप क्या करोगे तो इन क्लिनिकल क्वेश्चन को आप वहां पर यूज कर सकते हो एंड वन ऑफ द मेजर थिंग इज की आपका ऑप्शनल इज स्टैटिक आपको इसके लिए हर साल करंट से अपडेट होने की जरूरत नहीं है Most of the are अगर आपने एक बार इसको प्रिपेयर करके रख दिया तो इट विल हेल्प यू इन एनी टाइम। आपको उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी नॉलेज एनी क्वेश्चन कैन बी हैंडल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसमें किसी तरह से कुछ भी लिख सको और उसको खाली मत छोड़ो तो अगर आप कोई नया सब्जेक्ट चूज करते हो जैसे अगर आपने कोई एंथ्रोपोलॉजी या सोशोलॉजी चूज किया और आप आपकी उस पर इतनी ग्रेस्पिंग नहीं है तो कुछ भी नया क्वेश्चन अगर आता है तो आपको उसको हैंडल करने में काफ़ी डिफिकल्टीज रहेंगी लेकिन मेडिकल साइंस में ऐसा है कि अगर आपके पास बेसिक नॉलेज अच्छी है अगर आपके फर्स्ट और सेकेंड ईयर्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर है तो उसको आप अच्छे से यूज करके किसी भी आंसर किसी भी आंसर को लिख सकते हैं जैसे अगर आपकी अगर सर्जरी का कोई क्वेश्चन है तो उसमें आप अनेटमी का नॉलेज यूज़ करके उसको कंप्लीट कर सकते हो जैसे इंग्वाइनर पे क्वेश्चन आता है तो उसमें आप सर्जरी और अनाटमी दोनों से नॉलेज को यूज करके एक अच्छा आंसर बना सकते हो देर इज इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट पैथो ये सब मेडिसिन से लिंक्ड है तो काफी इंटरलिंकिंग है और उसको आप यूज करके हर क्वेश्चन को एक अच्छा आंसर दे सकते हो सो दिस विल हेल्प यू इन गेनिंग मोर कॉन्फिडेंस इन आंसर राइटिंग इन मेडिकल साइंसेज फ्यू पीपल टेक इट इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू प्रोसेस तो जैसे कि मैंने कहा कि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं

इट विल हेल्प यू गेट अवे फ्रॉम दैट क्योंकि मेडिकल साइंस टॉपिक आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा एंड इससे आपको बेनिफिट ये रहेगा कि आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हो थ्रू दिस ऑप्शनल तो आप अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हो अच्छे से टाइम को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो कि आप थोड़ा टाइम अपने ऑप्शनल रीड किया देन थोड़े टाइम बाद आपने जीएस उठा लिया देन बीच में आप जीएस से बोरोगे तो देन आप अगेन ऑप्शन उठा सकते हो तो इट विल हेल्प यू मेकिंग योर शेड्यूल अ मिक्स मैच ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप अपने पूरे दिन में मल्टीपल चीजें कंप्लीट कर सको सो दीज आर दी प्रोज एंड कॉन प्रोज प्रोज सो दीज आर दी प्रोज ऑफ़ दिस मेडिकल साइंस ऑप्शनल यू डोंट हैव टू राइट एनी है कंक्लूजन आप डायग्राम्स और प्रेजेंटेशन से मार्क्स गेन कर सकते हो इसमें आप बेसिक नॉलेज से अपना आंसर लिख सकते हो और उसको कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ कुछ बच्चे ही इसको लेते हैं तो इंटरव्यू में ये हेल्प करेगा एंड देन इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी जीएस स्टडीज Now coming to the the cons of this exam. So the first con is it is lengthy and vast. तो so, जो बाकी अदर ऑप्शन हैं जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी हो गया सोशोलॉजी हो गया दे आर शॉर्ट एंड देर उनमें आपको टेस्ट सीरीज उसमें आपको मटेरियल वगैरह मिल जाएगा बट दे आर वेरी शॉर्ट और वो आप इसको छोटे समय में कम समय में प्रिपेयर कर सकते हो बट मेडिकल साइंस ऑप्शनल इज लेंदी एंड वेरी वास्ट कि उसमें आपको हर टॉपिक को हर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा एंड यू कैन नॉट स्किप एनीथिंग तो उसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते यू हैव टू मेक श्योर कि आप सब कुछ प्रिपेयर करके जा रहे हो एंड उसमें आप हर चीज को एक अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से रीड कर रहे हो तो इसीलिए इसको काफी टाइम लगता है प्रिपेयर करने के लिए और आपको इसके लिए एमबीबीएस में भी थोड़ा अच्छे से फोकस करके रखना पड़ता है तो आपको आपके माइंड में ये फ्रेम में रहना चाहिए कि आप आगे जाकर मेडिकल साइंस ऑप्शनल लोगे तो उसके लिए आप अपने कॉलेज डेज से ही प्रिपरेशन शुरू करते हो कि मैं अपना ऑप्शनल को अभी से थोड़ा प्रिपेयर करना शुरू करूं और जो भी टॉपिक्स हैं उनको साथ साथ देखना शुरू करूँ तो इससे आपको बेनिफिट ये रहता है कि जो इसका टाइम चाहिए इसको प्रिपेयर करने के लिए वो थोड़ा टाइम आपके कॉलेज के साथ प्रिपेयर हो सकता है सो दिस इज लेंथिंग इन वास्ट बट दिस कैन बी सॉल्व विद कॉलेज एम तो थोड़ा सा आप उस वक्त अपना ध्यान दे सकते हो और स्लोली आप इस ऑप्शन को कवर कर सकते हो विद वन वन और टू सब्जेक्ट्स आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप इसको इजीली कवर कर सकते देन द नेक्स्ट थिंग इज इट नीड्स मल्टीपल क्योंकि इट इज फैक्चुअल आपको भी पता होगा कि एमबीबीएस में काफी चीजें फैक्चुअल हैं एंड दे आर डिफिकल्ट टू ग्रेस जैसे फार्माकोलॉजी है ड्रग्स के नाम है मेडिसिन तो उन सबको आपको प्रिपेयर करना पड़ता है पहले से ही और उसके लिए आपको मल्टीपल रिविजन चाहिए अगर आप सोचे कि सिर्फ आप उसको एक बारी में पढ़ के आप फिनिश कर दोगे आपको याद हो जाएगा तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट तो कोशिश इसमें आपको कोशिश ये करनी पड़ती है कि आप मल्टीपल टाइम्स उसको रिवाइज कर रहे हो और आप उसको बार बार हीट करके हो आप उसको डिस्कस कर रहे हो आप उसको लिख कर देख रहे हो तो इसके लिए आपको थोड़ा लेबर करने की जरूरत पड़ती है आपको इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने का जरूरत पड़ता है एज कम्पेयर टू जीएस एंड अदर ऑप्शन लैक ऑफ़ प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रैक्टिस तो आप देखोगे कि बाकी जो ऑप्शनल हैं सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस बुक्स टेस्ट सीरीज और प्रॉपर मटीरियल जो है वो अवेलेबल है बट मेडिकल साइंस के लिए इतना मटीरियल अवेलेबल नहीं है तो इसमें यही प्रॉब्लम आती है कि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती तो उनको आइडिया नहीं रहता कि कैसे प्रिपेयर करना है टेस्ट सीरीज कहाँ से ज्वाइन करें और कैसे उन टॉपिक्स को टाइमली मैनेज करना है कैसे आंसर राइटिंग करनी है तो इसमें आंसर राइटिंग में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बेशक इसमें कोई भी फ्लो आप लिख सकते हो आप किसी भी तरह से उसको प्रेजेंट कर सकते हो बट देन अगेन कुछ मेथड्स अच्छे होते हैं कुछ मेथड्स एवरेज होते हैं तो यू हैव टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग तो उसके लिए जो गाइडेंस है वो थोड़ा कम है एज कम्पेयर टू अदर ऑप्शनल्स धीरे धीरे गाइडेंस इस पर इम्प्रूव हो रही है तो इन फ्यूचर शायद इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस मटेरियल टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल भी हो सकता है नेक्स्ट थिंग इज इट नीड्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अब जैसा कि ये पॉलिटी या हिस्ट्री जैसे ऑप्शन जैसा नहीं है क्योंकि पॉलिटी में क्या होता है कि पॉलिटी में आपका जीएस टू और पॉलिटी ऑप्शनल साथ साथ प्रिपेयर होता है सिमिलरली फॉर द हिस्ट्री अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल लेते हो तो आपका हिस्ट्री जीएस के लिए भी प्रिपेयर हो जाता है लेकिन मेडिकल साइंस में क्या है कि ये जीएस से बिल्कुल अलग टॉपिक है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत पड़ती है इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ता है जो कि आपको जीएस से बिल्कुल अलग होता है तो दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्टी कि आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपका जीएस और ऑप्शनल प्रॉपर तरीके से हैंडल हो पाए और आप दोनों को प्रिपेयर कर सको सो दीज आर बेसिक प्रॉब्लम्स कि थोड़ा बड़ा है और इसको मल्टीपल रिविजन चाहिए एंड देन इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस और प्रैक्टिस अभी अवेलेबल नहीं है धीरे धीरे ये अवेलेबल हो रही है देन इट नीड्स इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बट रस्टमी अगर आपने एम बी बी एस में अच्छे से प्रिपेयर किया है एंड यू कैन गिव अबाउट फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट टाइम टू डिस ऑप्शनल तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो जैसे मैंने अपने टाइम पे ये ऑप्शनल चूज किया जब मैंने तो मुझे था कि एटलीस्ट मेरा ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है जीएस से ज़्यादा मुझे ऑप्शनल पे कॉन्फिडेंस था तो ये कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी वजह से हुआ क्योंकि मैंने अपने लाइफ के 4.5 पॉइंट जो एम को दिए हैं वो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं अब वहां पर धीरे धीरे जब तैयारी की एम की तब उन ऑप्शन को उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर तो किया ही हुआ है अभी सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अब उनको एक एज अ ऑप्शनल प्रिपेयर करना है पूरे सिलेबस को सिक्स आवर्स में सेम डे पे वहां लिख के आना है इट इज दी ओनली डिफरेंस रेस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है तो अगर आपको इस पर कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पे आप इसमें काफी कुछ गेन कर सकते हो तो सिमिलरली मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इसमें इतना ज़्यादा स्कोर भी हो सकता है तो हैव सिक्योर टू नाइनटी नाइन मार्क्स तो ये मुझे काफी बेनिफिट रहा एंड इसी की वजह से मेरा मेन स्कोर काफी हाई गया तो ऑप्शनल सेलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको जरा सा भी डाउट लगता है कि आपको नेगेटिविटी आती है तो आप इस ऑप्शनल से दूर रहो लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो एंड यू आर प्रटी कॉन्फिडेंट कि आपको ये ऑप्शनल आपके ग्रेजुएशन में भी हेल्प किया है आपने अच्छा स्कोर किया है एंड इसको आगे भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो देन ओनली यू शुड टेक इट एंड अगर आप इसको एक बार ले लेते हो देन यू विल फील प्रटी कॉन्फिडेंट ऑन इट ऑल्सो आपको लगेगा कि ये ऑप्शनल से भी ईजी है और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो

की डेप्थ में है ऐसा भी नहीं है देर आर मल्टीपल सब्जेक्ट हिंदी ऑप्शनल तो आपको हर जगह वहां पर डाइवर्सिटी रहती है और आप उसको ईजिली प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि वो हर चीज़ नहीं है उसमें से कुछ आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है कुछ आपकी वीकनेस हो सकती है तो इसलिए आपको वो बहुत बेनिफिट रहता है तो अगेन आई वुड सी कि मेडिकल साइंस चूज करना आपका डिसीजन आप, बहुत अच्छा हो सकता है यू कैन स्कोर प्रेटी वेल इस बार भी 299, 298, नाइन नाइनटी टू एटी इस तरह के मार्क्स ऑप्शनल में मेडिकल साइंस ऑप्शनल में आए हैं सो इट इज मच बेटर देन मेनी अदर ऑप्शनल जो बाकी ऑप्शन के मार्क्स इस बार कम आए हैं तो डोंट थिंक कि इस ऑप्शन में मार्क्स नहीं आते या इस ऑप्शनल में इंटरव्यू अच्छा नहीं होता या इस ऑप्शनल के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है आप ऐसा मत सोचो और कोशिश करो कि आप अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपने ऑप्शनल को चूज करो इफ यू फील कि आप मेडिकल मेडिसिन में आपका इंटरेस्ट है और बेस्ट थिंग ये है कि आप इस ऑप्शनल को एज अ बैकअप भी यूज कर सकते हो एज अ बैकअप कैसे कि केस आपका अगर यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता तो आप इस ऑप्शनल से अपना नीट की तैयारी प्रिपेयर कर सकते हो नीट प्रिपेयर कर सकते हो आप सी दे सकते हो तो आप हमेशा इन टॉपिक्स के टच में रहोगे और आपका यह ऑप्शनल एज अ फ्रेमवर्क एक्ट करेगा कि आप इससे आप अपने बाकी एग्जाम्स प्रिपेयर करके दे सकते हो तो इससे आपका जो आपने 4.5 पॉइंट ईयर्स इतनी मेहनत की है वो आपकी वेस्ट नहीं जाएगी एंड देन यू कैन यूटिलाइज इट इन सम अदर वे तो इट कैन फॉर्म योर बैकअप ऑल्सो तो अगर आपका इंटरेस्ट है एंड इफ यू रियली वॉन्ट टू इंडल्ज इन मेडिकल अहेड अगर आपका बैकअप आपने इसको बनाना है तो डू गो फॉर मेडिकल साइंस ऑप्शनल बट अगर आपका टच नहीं है मेडिसिन के साथ आपको इंटरेस्ट नहीं है आपको लगता है कि आप एक नया सब्जेक्ट शुरू कर सकते हो देन यू शुड गो फॉर अदर ऑप्शनल सो दिस वॉज Uh, about how you can choose the optional, what are the pros and cons of the med medical science as an optional, and how it can benefit you. So, all the best, good luck, let's crack it.